हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बिना अंडे की, बिना मुर्गी के अंडे की ऑमलेट बनाना बताऊंगी। ओह नो, तो जो आप लोगों को तो वीडियो में देखना पड़ेगा कि बिना अंडे की ऑमलेट कैसे बनती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन और 1/3 कप लिया है मैंने मैदा, और 1 चम्मच मैंने लिया है बेकिंग सोडा। जी हाँ, हमको बेकिंग सोडा लेना है, ना कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जिसको हम केक में डालते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन चारों चीजों को हमने पहले ले लेना है। तो मैंने ले लिया है मिक्सिंग बाउल और उसमें डाल दिया है मैंने 1 कप बेसन। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। ये 1/3 कप मैदा है, तो रेशियो आपको ध्यान में रखना है। और ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो पहले इन सारी सूखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, गुठली ना रहे बिल्कुल भी। और आप देखिएगा, ये जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट है। बिल्कुल भी एक बूंद ऑयल नहीं लूंगी मैं, घी नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल अच्छे से तैयार कर लेना है। और बिना अंडे की ऑमलेट है, वेज ऑमलेट है। जो लोग वेज हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है वीडियो। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा दोस्तों। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पानी डाल दी हूँ, और इस तरीके का घोल हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा और पतला घोल चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अंडे को फेंटते हैं और उसके ऊपर जो बबल बन जाते हैं, वैसे ही सेम बबल हमारे घोल पर बन रहे हैं, क्योंकि जो हमने बेकिंग सोडा डाला है उससे हमारा बैटर बहुत अच्छा बन गया है। तो इस तरीके से चम्मच से आप ले लें, और बिल्कुल हल्की सी चमचे के ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। तो हमारा ऑमलेट का बैटर घोल बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, इस तरीके से आप अच्छे से इसको फेंट लें, तो बहुत अच्छी सी हमारी फ्लफी स्पॉन्जी ऑमलेट बनकर तैयार होगी। तो झाग बहुत अच्छे से आ गई है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ वेजीज, जैसे ऑनियन, टमाटो और ग्रीन चिलीज। तो नॉर्मली ऑमलेट में यही सारी वेजेस होती हैं। तो दिखने में बहुत ही कलरफुल लग रहा है हमारा घोल। तो चलिए, मैंने ले लिया है नॉनस्टिक का तवा, और आपने देखा मैंने घी, ऑयल वगैरह कुछ भी इस पर नहीं डाला है। तो जो घोल हमने बनाया था उसको पूरे तवे पर थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से फैला देना है, और ढक के रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देखिए कितने अच्छे से बबल हमारे आ गए हैं, और जो ऑमलेट हमारी बन रही है बहुत ज़्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी बनेगी। और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो वेट लॉस में भी इसको ले सकते हैं। तो ढक के मैंने रख दिया है, ऊपर से वेजीज ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम पलट देंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, वरना ये टूट जाएगी। तो देखिए, एकदम फूली फूली बन गई है हमारी वेज ऑमलेट, वो भी बिना अंडे के। तो देखिए, इसको मैंने पलट लिया है, और बैक साइड से आप देखिए कितने अच्छे से इसमें बबल हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है। तो ढक के रख देंगे, जो नीचे से है वो भी बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो ऑमलेट हमारी तैयार हो गई है, वो भी बिना अंडे के। तो है ना मजेदार रेसिपी। आजकल हम बिना अंडे के ऑमलेट आपके लिए बना रहे हैं, तो जो हमारे मुर्गे मुर्गियाँ हैं वो भी हमको दुआ देंगे कि बिना अंडे की ऑमलेट अगर मार्केट में आ गई है तो अब हमारे बच्चे सेफ हैं। मजाक कर रही हूँ, जो ऑमलेट खाते हैं एग की वो खाइए, और जो नहीं खाता है उसके लिए मैं रेसिपी लेकर आ गई हूँ बिना अंडे की ऑमलेट। तो देखिए, मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दी है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो देखिए, दोनों मुर्गे हमारे पास आ गए हैं हमको खुशी खुशी वेज ऑमलेट खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।